अब देश में मोदी के खिलाफ एक बड़ा प्लान नाकाम हो गया है। आतंक के खिलाफ देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने 13 राज्यों में 202 जगह पर एक साथ छापे मारकर एक बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया और यह कल हुआ था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था पर यह छापे पड़े थे जो देश के खिलाफ एक साजिश रच रहे थे और सफेदपोश साजिश के सबूत भी मिले हैं। छापे पड़े ये सब कोई आपको बताएगा, लेकिन ये छापे क्यों पड़े हैं, इन छापों की मिडिल ईस्ट देशों से आने वाली जकात फंडिंग से रिश्ता क्या है, ये सारी चीजें आप तफ्तील से जान सकते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, तेरह राज्यों में रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक 202 जगह पर एक साथ छापे। एनआईए, ईडी की ज्वाइंट रेड, एटीएस, पुलिस, पैरामिलिट्री की मदद और 106 पीएफआई एक्टिविस्ट और ऑफिस बियर्स अरेस्ट। हिरासत में लिया है, ये माना जा रहा है कि उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और किस जगह से फंडिंग होती थी, यानी टेरर फंडिंग का कोई लिंक है या जो भी उनके भाषण या जो भी रैलियां हुई हैं उसमें कहां से पैसा आया है, इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में पीएफआई का संगठन कई जिलों में पैर फैला चुका है और कई ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिन पर नजर बहुत पहले से इंटेलिजेंस ब्यूरो की थी। जब भारत सो रहा था तो आतंक को रोकने वाली सबसे बड़ी फोर्स एनआईए ने 4 घंटे में कैसे 13 राज्यों में छापे मारे और 106 लोगों को अरेस्ट किया, इसकी तैयारी देखिए। दिल्ली के गृह मंत्रालय में एक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था, उसके नीचे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 200 एनआईए पर्सनल फील्ड पर उतारे गए। इसमें एनआईए के 16 एसपी, 4 आईजी, 1 एडीजी शामिल थे और इनको सुरक्षा कवर देने के लिए 5000 राज्य पुलिस पैरामिलिट्री के जवान अधिकारी एक्टिव थे। छापे के लिए जरूरी जानकारी और सबूत का सपोर्ट देने के लिए 200 लैपटॉप्स में जरूरी कागजात और जानकारी भरी गई। इसके साथ 100 मोबाइल फोन्स में भी बैंक डिटेल्स और दूसरी जानकारी रेड टीम को दी गई। छापों को बखूबी अंजाम देने के लिए 7 दिन से रेकी चल रही थी और अंत में 8वें दिन बेहद गुप्त तरीके से 13 राज्यों में 202 जगह रात 1 बजे एक साथ छापे शुरू हुए और 5 बजे खत्म हो गए। 4 घंटे में 106 लोग अरेस्ट हो गए। विभाग की प्रमुख विंग कमिश्नर ऑफ स्पेशल ब्यूरो ने जो जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों से साझा की है उसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुपचुप तरीके से महाराष्ट्र के ग्रामीण भागों में अपनी पैठ बनाने में जुटा हुआ है। खुफिया एजेंसियों से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक पुणे को इस वक्त पीएफआई ने अपना हब बनाया हुआ है और औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर और मराठवाड़ा के अन्य ग्रामीण इलाकों में नए नए युवकों को रिक्रूट करने में जुटा हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो अमरावती के उमेश कोल्हे की हत्या में शामिल साजिश करता थे उनसे पूछताछ में भी एनआईए को कुछ जानकारियां सामने आई है, जिसमें JUA एक संस्था का नाम सामने आया है, तबलीगी जमात एक संस्था का नाम सामने आया है और ये दोनों संस्थाएं कहीं ना कहीं पीएफआई के साथ जुड़कर महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में
नए नए लड़कों को रिक्रूट करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और उन्हें देश और सरकार के खिलाफ भड़काऊ बयान देने की बातें सिखाने में मशगूल नजर आई हैं। छापे से मची हलचल ने विरोध का रूप लिया। देश में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। सड़कों पर छापों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो उधर दिल्ली की रायसीना हिल्स में बने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक बैठक भी शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता सहित दूसरे अधिकारी शामिल थे। होम मिनिस्टर अमित शाह को यह भी ब्रीफ किया गया कि आने वाले दिनों में पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस, टेरर फंडिंग के एविडेंस, उसके अलावा टेरर लिंकेज, और यही नहीं बल्कि रेडिकलाइज करने के साथ साथ युवाओं को भटकाना ताकि वो दूसरी बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके, इस बात की गंभीरता बढ़ाती है। और इसीलिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि पीएफआई को बैन करने का प्रोसीजर शुरू हो जाए, और इसकी पूरी ब्रीफिंग आज होम मिनिस्टर अमित शाह को दी गई DGNIA के द्वारा। दक्षिण भारत के केरल में 2006 में पीएफआई का जन्म हुआ था। इसके पहले ये नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के रूप में एक्टिव थी, फिर ये आगे बढ़ी और तमिलनाडु में इसने मनिथा नीति पसराई से रिश्ते जोड़े, कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी, नेशनल वुमेन फ्रंट, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इससे जुड़ते गए और वर्तमान स्वरूप में पीएफआई का जन्म हुआ, जिसने खुद को मुस्लिम हितों के रक्षक के रूप में बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। अगर इंडिया में कोई एक कम्युनिटी थी जिसने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी थी। मुस्लिम कम्युनिटी ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम प्राइम टारगेट हैं। प्राइम टारगेट की वजह से आज हम इंडिया में देख रहे हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज मुस्लिम इज अ क्राइम। मांस पढ़ना क्राइम, हलाल खाना क्राइम, हिजाब पहनना क्राइम, अजान क्राइम, मस्जिद क्राइम, हर चीज क्राइम। क्या है बुलडोजर? कितने आरएसएस वालों के घरों में बुलडोजर आए? क्यों ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घरों में आ रहे हैं? क्यों? गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज है। लेकिन वक्त के साथ पीएफआई का नाम देश में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में आने लगा, और फिर जब जांच शुरू हुई तो उसके चेहरे से नकाब उतरने लगे। पीएफआई के पीछे एनडीएफ और उसके पीछे सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उसके पीछे आईएम, इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों के तार दिखने लगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग पीएफआई को अल्पसंख्यकों और वंचितों के हक के लिए लड़ने वाला एक सामाजिक संगठन कहते हैं, लेकिन आज नहीं बल्कि साल 2010 में ही सामाजिक तंजीम का मुखौटा पहने पीएफआई का असली चेहरा उस वक्त सामने आ गया था जब ईश निंदा के विवाद से घिरे एक प्रोफेसर की हथेली काटने के आरोप में पीएफआई के 2 सदस्यों को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पीएफआई के कुल 27 सदस्यों पर कोर्ट में ये मामला चला। साल 2012 में केरल सरकार ने खुद हाईकोर्ट में ये कहा कि पीएफआई और कोई नहीं बल्कि प्रतिबंधित इस्लामी चरमपंथी संगठन सिमी का ही दूसरा रूप है, और उस वक्त ही केरल सरकार ने पीएफआई पर पाबंदी लगाने की मांग की थी। 16 साल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश के 13 से अधिक राज्यों में छोटी छोटी संस्थाओं के माध्यम से मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। पीएफआई का मकसद देश में पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाले मुस्लिमों की ऐसी फौज तैयार करना बताया जाता है जो वक्त पड़ने पर मुस्लिम हित के नाम पर खड़ी की जा सके। पीएफआई उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहती है जिसमें मुस्लिमों को कट्टरपंथी कहा जाता है और उन्हें मदरसा, मौलवी, मस्जिद से जोड़कर खारिज कर दिया जाता है। कहने का मतलब पीएफआई भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए ओवरग्राउंड वर्कर तैयार करना चाहती है जो सफेद पोश हो और आधुनिक मुद्दों पर भारत की सरकार को घेर सके। अब हम आपको एक नक्शे की मदद से बताते हैं कि दिल्ली में हेडक्वार्टर बनाकर पीएफआई ने मानवाधिकार, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार, छात्र अधिकार, वकीलों के अधिकार के नाम पर देश भर में कैसे अपना मायावी चेहरा तैयार किया था जो ऊपर से आधुनिक था लेकिन उसके नीचे कुछ और ही छिपा हुआ था। आज जो छापे पड़े हैं उसमें पीएफआई के साथ जिन संस्थाओं की जांच चल रही है वो
इसकी गवाही देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पावर्ड फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल, नेशनल वुमेन फ्रंट, वुमेन इंडिया मूवमेंट। पीसी 120B यानी बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। एनआईए ने अब तक की जांच में यह पाया है कि पीएफआई के कई घटक टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने में संलिप्त पाए गए हैं और इन्हीं की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के 10 जिलों में ताबड़तोड़ रेड की गई। अब हम आपको 12 नाम बताते हैं जो आतंक के नाम पर बैन संगठन सिमी से जुड़े थे और अब पीएफआई के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। ईएम अब्दुल रहमान, ई अबू बकर, प्रोफेसर पी कोया, अब्दुल हमीद, अहमद शरीफ, शाहिद खोट, एओ सलाम, अनीस अहमद, अफसर पासा, मोहम्मद अली जिन्ना, एमएस इस्माइल। यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले ही इन नामों का खुलासा किया था। केरल और कर्नाटक के पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में पीएफआई के खिलाफ सांप्रदायिक हत्या के 35, हत्या की कोशिश के 96 और दोनों राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के 136 मामले दर्ज हुए हैं। अप्रैल के महीने में केरल में हिंदू कार्यकर्ता श्रीनिवासन की बर्बर हत्या के आरोप में पकड़े गए पीएफआई के आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि उनके पास नॉर्थ केरल के बीजेपी और आरएसएस के सभी नेताओं की बारीक से बारीक जानकारी मौजूद है।